असलम वेलकम बैक टू औरत कार्ड कुछ दिन पहले मैं ये सोच रही थी कि हमारे लास्ट नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल कौन से चीफ जस्टिस गुजरे हैं तो मेरे दिमाग में राना भगवान दास का नाम आया था वो बहुत बल्कि वो बड़े अक्लेम जज थे उन उनकी सभी तारीफ़ करते थे वो लास्ट वो नाम आया था जस्टिस वैसे जवाद ख्वाजा भी थे

तो चीफ़ जस्टिसज ने मेरा ख्याल अब है अब साकि निसारी वैसे लोग मुझसे काफ़ी बहस करते हैं इस पर मेरे पीपल्स पार्टी वाले दोस्तों बहुत ज़्यादा कहते हैं कि आप गलत कह रही हैं कि साकिब निसार साहब इफ्तार साहब से आगे इफ्तार चौधरी साहब से आगे निकल गए थे बहरहाल साकिब निसार साहब की इस वक्त एक चल रही है कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है आपने देखी होगी टेलीविजन पर आपने पढ़ा होगा वो ये है कि उनकी एक मुबैना ऑडियो लीक हुई है जिसको अहमद नूरानी साहब जो हैं जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने उसको अमेरिका में एक फोरेंजिक फर्म से फोरेंजिक फ़र्म जो कि प्रॉपर उनके जो इस चीज़ों को इन तरह इस तरह की चीज़ों को चेक करती है कि वो सही हैं या गलत हैं या दो नंबरी तो नहीं हो रही उन्होंने चेक कराया और उन्होंने इसके बाद एक रिपोर्ट इशू की जिसमें उन्होंने कहा कि वो ऑडियो जो है वो बिल्कुल ठीक है उस ऑडियो में ये कहा साकिब निसार साहब किसी से गुफ्तु हैं हमें ये नहीं पता वो दूसरे शख्स कौन है और उनको वो ये कह रहे हैं मुबैना मुझे, तौर पर ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब को और मरीम नवाज को यानी मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज को जो है हम इमरान ख़ान को इदारे लाना चाहते हैं पावर में और ख़ान साहब को ले कर आना है और इसलिए मरीम नवाज साहबा और मियाँ नवाज शरीफ को बेल नहीं मिलेगी या उनको जेल में रखा जाएगा कन्वर्जेसन का निचोड़ ये तो इसके ऊपर फिर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई और उस कंट्रोवर्सी के बाद फिर ये हुआ कि एक और आ, आ, रिपोर्ट रिपोर्ट तो नहीं पैकेज कह लेंगे न्यूज़ पैकेज सामने आया आ, उसके अंदर ऐसा था वो एक निजी चैनल का था समा टीवी का था और उसके अंदर ऐसा था कि उन्होंने दिखाया कि कुछ हिस्से जो हैं उन्होंने फिर मुबैना तौर तो पर कहा कि ये जी कुछ हिस्से जो हैं इस ऑडियो लीक के वो साकिब निसार साहब की कुछ तकरीरों से जो उन्होंने इस्लामाबाद बाहर से की थी वहां से उठा के यहाँ पे लगा दी गई हैं और ये ऑडियो जेनवन नहीं है अच्छा अब ये बात इस वक्त इस पे लेटेस्ट क्या है इस पे क्या सिचुएशन अब इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या लेटेस्ट जो आपने बताई <laughs> <laughs> वही है अच्छा। कोई कुछ कह रहा है कोई कह रहा है ये वीडियो फेक है कोई कह रहा है नहीं ये वीडियो सही है ऑडियो 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 सॉरी ऑडियो पता नहीं वीडियो है या नहीं ऑडियो <laughs> जो है जो कुछ लोग कहते हैं कि फेक है कुछ कहते हैं कि असल है मेरा बड़ा सिंपल सा इस पे मौकफ है ये एक बड़ा अच्छा मौका है हुकूमत के लिए नवाज शरीफ साहब को एक्सपोज करने का आप ये और क्योंकि हम हर हफ्ते ही अब सुन रहे हैं आजकल कि उनको इंसाफ़ नहीं मिला नवाज शरीफ साहब को इंसाफ़ नहीं मिला मरियम नवाज को इंसाफ़ नहीं मिला इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा आप हुकूमत में आप इस ऑडियो को लें एक इंडिपेंडेंट जो फोरेंजिक फर्म होती है इंडिपेंडेंट उसके पास जाएं उनको ये ऑडियो दें उनसे कहें इसको एनालाइज करें और वो रिपोर्ट पब्लिक कर दें यही होना चाहिए ना अच्छा अगर हुकूमत नहीं करेगी क्योंकि अक्सर वो इस किस्म की चीजों से घबराते हैं कि कहीं उल्टा हमारे गले ना पड़ जाए आपको याद होगा आसिम बाजवा साहब का भी केस था उस पर भी कोई खास कुछ हुआ नहीं वो खत्म ही हो गया अगर हुकूमत नहीं करेगी तो अदालत को कर लेना चाहिए सिर्फ इसलिए कि अली अहमद कौट साहब को गलत साबित करने के लिए <laughs> हाँ। सिर्फ उनकी तकरीर क्योंकि वो मेरा तो दिल दुखता है जब वो कहते हैं ना कि बाईस करोड़ आवाम और एक जनरल अब वो हम काफी दफा तकरीर सुन चुके हैं लेकिन उनको सिर्फ गलत साबित करने के लिए अदालत को चाहिए कि इसका नोटिस लें इसकी तहकीकात कराएं पता चले कि हुआ क्या क्योंकि ये भी बड़ी बातें हो रही हैं कि ये एडमिसिबल नहीं है अदालत में इस किस्म की वीडियो ऑडियोज जो होती हैं अच्छा इस पे सलमान अक्रम साहब को मैं सुन रही थी वो कहते हैं कि देखिए इसके कुछ शराय होते जब आपने एडमिसबल करनी होती है अदालत में जैसे कि कि आप उसको पहले वेरीफाई कराए उस ऑडियो को जिसने वेरीफाई की है वो अदालत में पेश हो और बताए उसने कैसे वेरीफाई की है आ, फिर इसमें ये भी आ, एक कंडीशन होती है कि जिसने रिकॉर्ड की वो भी अदालत में पेश होकर बताए कि हाँ ये मैंने रिकॉर्ड किया अब वो पता नहीं होगा या नहीं लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी इधर कि ये जो सोशल मीडिया पे सब आजकल कल एनालिसिस कर रहे हैं और एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स बन गए हैं और हमारे कुछ मीडिया के दारों में भी एक्सपर्ट्स बन गए हैं देखिए ये एक बड़ा टेक्निकल सी चीज़ होती है एनालिसिस करना क्योंकि मैं इसमें पढ़ रही थी और जब जो लोग ऑडियो करते हैं एनालाइज, वो उसमें बहुत बारीकी में जाके वीडियो एनहांस दीव है उनका इक्विपमेंट भी बड़ा टेक्निकल किस्म का होता है वो पता नहीं सालों साल उन्होंने इस पर काम किया होता है वो काफी टाइम लगता है उसको एनहांस करते हैं उसकी स्पीड चेक करते हैं वॉइस की इस तरह की बाकी चीज़ें चेक करके फिर वो रिपोर्ट बनाते हैं तो ऐसे नहीं होता कि आपने क्योंकि सुन ली एक तकरीर यहाँ से तो वहाँ से उन्होंने उठा ली हो सकता है वीडियो फेक हो लेकिन इसकी एक प्रॉपर तहक़ीक़ात होनी चाहिए एनालिसिस होना चाहिए और आप नवाज शरीफ साहब को एक्सपोज़ करें नहीं देखिए बेनजी बात यह है कि आपनेट साहब की जो तो स्पीच जो उन्होंने आसमान जहांगीर कॉन्फ्रेंस पे की हफ़्ते के रोज़ उसका जिक्र करिए जिसके अंदर उन्होंने कुछ इल्ज़ाम जुडिशरी के ऊपर लगाए जिसके जवाब में चीफ जस्टिस गुलजार साहब जोध मौजूद थे उन्होंने बड़ी अच्छी बातें भी की उन्होंने कहा कि मैं तो किसी से या हमारा इदारा तो किसी से डिक्टेशन नहीं लेता हमारी अदालतें हमारे, हमारे जज नहीं डिक्टेशन लेते उन्होंने बड़ी इस तरह की बात की उन्होंने सारे जो एलिगेशन थे वो रद्द की तो चीफ जस्टिस साहब को बिल्कुल चाहिए कि जो वो अपनी उन्होंने स्पीच भी की है जब एक उनके मातहत एक जो मतलब उनकी अद, अदालतें हैं उनके ब्रदर जजेस के ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं तो इसका उनको नोटिस भी लेना चाहिए और एक वैसे जुडिशरी के अंदर एफिडेविट जमा कराया और साकिब निसार साहब पर ही इल्जाम लगाया ठीक है दोनों ऑडियो की भी और एफिडेविट की दोनों का डिनाइल दे दिया है साकिब निसार साहब ने उन्होंने कहा है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है और ये झूठ है लेकिन बात यह है कि जब अदलिया के ऊपर इतनी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज बने और देखिए कॉन्ट्रोवर्सीज आज से तो है नहीं पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है अनफॉर्चुनेटली इसके भी बड़ा पास्ट है स्केलेटन्स हैं इस तरह की चीजें हमें पता है हमें तो याद है जस्टिस कयूम और नून लीग का जो बेनजी भुटो शहीदा के खिलाफ जिस किस्म की वो गुफ्तु है तो जस्टिस हम... अतर मिल्ला ने इसके बारे में बात भी की हुँ, थी कि हमें सीखना चाहिए माजी से जो गलतियाँ की हैं हमें तो माजी के अंदर बहुत चीज़ें थी फिर लगा जब ये पूरी लॉयर्स मूवमेंट चली तो लगा कि अच्छा बदली आजाद होगी एक बड़ी अच्छी मूवमेंट चली है इसके बाद अदलिया जो है वो डिफरेंट होगी फ्री एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी लेकिन उसमें भी हमने देखी कई चीज़ें ये आपको याद होगा एक मुशरफ साहब का कामरान शायद साहब के साथ एक इंटरव्यू था जिसके अंदर उन्होंने बात भी की कि जो उनके केस के अंदर उस वक्त के आर्मी चीफ ने उनकी हेल्प भी की तो ये इस तरह की जब बातें आती हैं फिर जो है उसके बाद आ, उसके बाद हमने व्हाट्सएप पे जे आई टी वासी साहब की एक रिपोर्ट भी थी पाना केस के बाद बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई जब वो सारा कुछ स्टार्ट हो रहा था तो हमने बड़ी ये सारी चीज़ें सुनी तो एक स्पेकुलेशन तो थी क्योंकि एक पोलिटिकल वो लगा कि इस तरह की चीज़ें जस्टिस फाइज ईसा साहब के साथ जिस तरह का हुआ काजी फाइज के साथ तो ये सारी चीज़ें जब इतनी कॉन्ट्रवर्सी में एक अदलिया है तो सारे अदलिया को बैठकर जो सीनियर जजेज हैं ख़ासतौर पर चीफ जस्टिस साहब उनको मिल बैठकर सोचना चाहिए कि इसके ऊपर क्या करें और फोरेंजिक की तहकीकात तो बिल्कुल होनी चाहिए देखिए ये बात सच है कि पाकिस्तान जो है जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है का okay. उसमें 130 130 आउट ऑफ़ 139 अच्छा <laughs> पिछले चंद साल में भी कोई हैं ये भी खुद सबको गलत साबित करना है आजादी हाँ, के ऊपर के 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 जो है उंगलियां उठाते हैं ऐसा नहीं लगना चाहिए हमारी अदिया को पोलिटिसाइज है या हमारी अदिया किसी के प्रेशर में फैसले करती है अच्छा सवाल उठते हैं अदलिया के बारे में ये तो अब हकीकत है आ, हामिद ख़ान साहब उस दिन खान खानजादा के शो पे आए हुए थे और वो कह रहे थे कि देखें हमने अपील फ़ाइल की है मुशरफ जनरल मुशरफ के फैसले के ख़िलाफ़ 22 महीने हो गए अभी तक उसकी डेट नहीं लगी वो केस नहीं लगा तो वो कहती है इसकी क्या वजह है और इतने है आप तो आप सवाल तो है। उसकी कुछ उनको नहीं पता। है है कुछ ये है सही है, गलत है। मुबैना ऑडियो उसका जो है वो ये प्रूफ करें इस चीज को फोर खुद ही अदलिया के कि जी हमारे सबक चीफ जस्टिस के ऊपर इतने बड़े बड़े इल्जाम एफिडेविट वाला ये फिर उससे पहले पैनमा की भी चीजें थी उनमें तो कुछ सेटिंग भी है

चले हुए कारतूस निकल जाते हैं मतलब जैसे वो जस्टिस शमीम के बेटे जो थे उन्होंने तो जज शमीम जो है वो राना शमीम साहब के बेटे जो थे उन्होंने तो वो घर का भेज टाइप सिचुएशन करके साथ मिसाल वाली भी आप देखें जो समा टीवी की जो रिपोर्ट आई है अब हम उसपे कहें कि ये तो सिर्फ इसके प्रॉपर इक्विपमेंट पे नहीं हुई हुई एनालाइज नहीं हुई हुई बहरहाल उन्होंने उसके ऊपर भी एक शक

तो मेरा तो ख्याल है कि नून लीग का निशाना बैठ नहीं रहा हालांकि ऑडियो लीक है लेकिन अगले का तो नून लीक से ताल्लुक नहीं है क्योंकि तो अहमद नुरानी साहब ने फैक्ट फोकस के लिए क्योंकि वो है ही उस फैसले के बारे में या उनके बारे में लेकिन है तो एक जर्नलिस्ट की उन्होंने

सुनने में तो ये भी आ रहा है कि दो वीडियो शायद और भी हैं और एक ऑडियो भी शायद और है हो सकता है कुछ भी ना हो, हो सकता है कि वो भी कुछ हो, हो सकता है उनका एनालिसिस जा आ जाए और वो भी करेक्ट हो, हो सकता है उनके ऊपर भी शक डाल दिया जाए कोई पुरानी तकरीरें ऐसी निकलें जिसमें वो वाली बातें भी हमें सुनने को मिल जाए तो अभी वैसे टाइम बड़ा मजे का आ रहा है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में तो इसलिए आप लोग अपने टी वीज ऑन रखें और अपने यूट्यूब भी ऑन रखें और हमारी वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल को और अगर आपको पसंद आया तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और आपका क्या ख्याल है ये वीडियोज़ आ कहाँ से रही हैं ये ऑडियो लीक्स आ कहाँ से रही हैं कौन निकाल रहा है <laughs> ये भी एक <देख> सवाल है <laughs> थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत